फेसबुक डाटा लीक मामले में फेसबुक और उसके मालिक मार्क जकरबर्ग चौतरफा घिरते नजर आ रहे हैं। यह पूरा मामला मीडिया में सामने आने के बाद पहली बार मार्क जकरबर्ग ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि इस कैम्ब्रिज एनालिटिका कंपनी द्वारा किए गए धोखाधड़ी के लिए फेसबुक हजारों ऐप की जांच करेगा। डेटा लीक पर बवाल के बाद फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक पोस्ट के जरिए सफाई दी है। जकरबर्ग ने लिखा कि लोगों के डेटा सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है और अगर हम इसमें फेल होते हैं तो ये हमारी गलती है। जकरबर्ग ने कैम्ब्रिज एनालिटिका के मामले में अपनी गलती को कबूला है। दरअसल फेसबुक को आलोचना का सामना इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इस ब्रिटिश कंसल्टिंग कंपनी कैम्ब्रिज एनालिटिका पर आरोप लगा है कि उसने 5 करोड़ फेसबुक यूजर्स का डेटा बिना अनुमति के जमा किया और उस डेटा का इस्तेमाल राजनेताओं की मदद के लिए किया गया, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का चुनावी कैंपेन और ब्रेक्जिट आंदोलन शामिल है।